आज लोक सूचना जारी होते ही सभी जगह नॉमिनेशन प्रोसेस हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गया है। जयपुर में 19 विधानसभाओं में 8 विधानसभा क्षेत्र जो कलेक्ट्रेट के अंदर नॉमिनेशन प्रोसेस रहेगा जिसका, और बाकी 11 का कंसर्न SDM ऑफिस में रहेगा। और यहाँ पर भी सभी के लिए कौन से रूम में रहेगा, कौन से गेट से एंट्री होनी है, सब हमने डिस्प्ले कर दिया है। और 100 मीटर के दायरे के बाहर पुलिस जब्ते भी तैनात है ताकि जो भी रैली प्रोसेशन जुलूस है उसके दायरे के बाहर ही रहे। यहाँ पर नॉमिनेशन रूम में जो कैंडिडेट समेत टोटल 5 लोग RO के रूम में जा सकते हैं। 6 नवंबर तक नॉमिनेशन प्रोसेस रहेगा, संडे को अवकाश रहेगा जिसमें, और 7 नवंबर को स्क्रूटिनी होगी सुबह 11 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में। 9 नवंबर तक नाम वापसी का टाइम रहेगा और उसके बाद 9 नवंबर को ही सिंबल आवंटन कर दिए जाएंगे और कैंडिडेट्स की फाइनल सूची तैयार हो जाएगी। सर, नामांकन प्रक्रिया के साथ ही और उसके बाद भी चुनाव तक कानून व्यवस्था किस तरह का प्रक्रिया की है, कानून व्यवस्था किस तरह से पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, सभी एरिया में काफ़ी दिनों से ही कानून व्यवस्था के लिए कार्रवाई चल रही है, चाहे हथियार जो जमा कराने हों या फिर पाबंदियाँ करानी हों। CFF की भी टुकड़ी प्रति पुलिस डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी कर रही है। आगे भी क्रिटिकल जो पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है 50% पोलिंग स्टेशंस पर। तो ये सभी मेजर्स कानून व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण चुनाव रहे उसके लिए की जा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं, साथ साथ अब तक जो सीविजिल ऐप पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? आचार संहिता के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जितने भी नगरीय निकाय हैं उनकी टीमें कार्रवाई कर रही हैं। FST फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं वो भी सी विजिल पे कंप्लेंट्स आ रही है आचार संहिता उल्लंघन की, उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही हैं। 24 घंटे टीमें तैनात रहती हैं, 180 टीमें पूरे जिले में तैनात हैं, और कोई भी कंप्लेंट आती है सी विजिल में उसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण वो टीमें करती हैं। और जयपुर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और शिकायतों का निस्तारण इसके द्वारा हो रहा है। ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं क्योंकि पोलिंग पार्टियों भी रवाना होगी और अन्य जो चाहे काउंटिंग के काम हो इस तरह के भी काम होंगे, तो जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग अब तक दी जा चुकी है और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? सभी जो मतदान दल जाते हैं हमारे यहाँ पे अभी तक 4681 पोलिंग स्टेशन है और जिले समेत, उनमें 4 लोगों का मतदान दल रहता है, उन सबकी पहली ट्रेनिंग हमने करवाई है। दूसरी ट्रेनिंग हम लोग उनकी 17 नवम्बर से कराएंगे और तीसरी ट्रेनिंग 24 नवंबर को उन सबकी होगी। तो ये सब ट्रेनिंग प्रोसेस जरूरी है ताकि चुनाव में कोई भी गलती न रहे और सभी जो नियम है जिस नियम से चुनाव होने उसके नियम के अनुसार पालना करते हुए मतदान दल अब चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करें। सर्विस वोटर्स और होम वोटिंग की किस तरह की व्यवस्था रखी गई है क्योंकि आज से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है? ये सर्विस वोटर्स को तो जो है ऑनलाइन ETP भेज जाते हैं, जो विभिन्न सेनाओं में लोग हैं जयपुर में कोटपुतली विराटनगर क्षेत्र से अधिक है, उनको ऑनलाइन ही जाएगा डाक मतपत्र। और बाकी जो एसेंशियल सर्विस हैं कुछ विभाग 9 विभाग जो चिन्हित हैं उनके लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर वो लोग इमरजेंसी ड्यूटी में हैं 25 नवंबर को तो वो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 12D जमा कराकर वो लोग भी वोटिंग दे सकते हैं। साथ में 80 साल से ऊपर के और दिव्यांग लोग, उन्होंने भी कुछ लोगों ने ऑप्शंस दी हैं, उनको भी डाक मतपत्र जारी किया जाएगा जो घर जाकर ही उनकी वोटिंग पोलिंग पार्टी कराएगी। सर, मतदान दल रवानगी की किस तरह की व्यवस्था रखी गई है क्योंकि जो वोटिंग से पहले एक दिन पहले मतदान दल रवानगी की जाएगी? मतदान दल रवानगी 24 नवंबर को होगा सुबह 7 बजे से, जो ग्रामीण क्षेत्र की 10 विधानसभा हैं उनमें सुबह 7 बजे से होगा। 3 क्षेत्र हैं, भवानी निकेतन जो सीकर रोड पर है, दूसरा राजस्थान कॉलेज और तीसरा जामिया स्ट्रीट जो रामगढ़ मोड़ पर है। यहाँ पर 3 जगह से मतदान दल रवानगी होगी सुबह 7 बजे से 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, और जो शहर के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 11 बजे से रवानगी होगी। उसके बाद जो EVM मशीनें हैं उनके कलेक्शन सेंटर किस तरह का बनाया गया है और काउंटिंग की व्यवस्था किस तरह की रखी गई है? 25 नवंबर को शाम को पोलिंग के बाद 6 बजे के बाद मतदान दल संपन्न कराकर वापस राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में सभी विधानसभा क्षेत्रों के वहां आएंगे और ट्रैफिक जाम ना रहे तो इसलिए एक ही जगह पे सारी सामग्री इकट्ठी की जाएगी और वहां पे बसों को भी खड़े रहने नहीं जाएगा, जो ड्रॉप फैसिलिटी सिर्फ रहेगी मतदान दल के कार्मिकों की, उसके बाद बसें वहां से चली जाएंगी।
और काउंटिंग भी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होगी। तो ये थे जयपुर निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपूत।